विधानसभा का शक्ति योग चल रहा है, ग्राउंड पर भी महिला शक्ति एबीपी गंगा की उतरी हुई हैं और सीधे रुख करेंगे। तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्नेहलता, गुंजन और अनु सिंह मौजूद हैं। सबसे पहले गुंजन का रुख करेंगे। गुंजन, ओवर टू यू। बिल्कुल जया, यहाँ पर विधानसभा की कार्यवाही जहाँ 11 बजे से शुरू हो चुकी है, कई बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने कही उनके बारे में भी मैं बताऊंगी, लेकिन मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि आज दर्शक दीर्घा में महिलाओं को ही बैठना है और ये स्कूली छात्राएं हैं जो आज यहाँ पर आई हुई है इस मौके का साक्षी बनने के लिए। तो चलिए इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कैसा लग रहा है आज। बहुत अच्छा लग रहा है, हम बीबीडी ग्रुप से आए हुए हैं और देखते हैं, काफी अच्छा डिस्कशन की हम उम्मीद रखते हैं। कौन कौन से मुद्दे उठने चाहिए? यही कि आज के ज़माने में लोगों का नज़रिया वुमन के लिए अभी भी नहीं बदला है, उनको आज भी एक उस नज़रिए से देखा जाता है जिससे उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आज हम ये सवाल रख रहे हैं, वुमेंस आजकल सेफ नहीं है, उन पर भी हमें देखना है क्योंकि क्या उनकी सेफ्टी के गाँव में जो वुमेंस अभी तक जो साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं उसके बारे में, रेप के बारे में, इन सब के बारे में डिस्कस होना चाहिए और भी ज़्यादा। आज इस पूरी कार्यवाही को आप होते हुए देखेंगे, साक्षी बनेंगे, कैसा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला, बहुत अच्छा फील। क्या कहेंगे आप महिला सशक्तिकरण के बारे में? जैसा कि हम सभी को यहाँ पे बातचीत करनी है तो उससे रिलेटेड सारे इश्यूज हमको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो देखिए मुद्दे कई सारे हैं जो कि प्रदेश की छात्राएं भी समझती हैं, महिलाएं भी समझती हैं, हर आयु वर्ग की महिला इन मुद्दों को समझती है, लेकिन आज ये जो छात्राएं आज की इस कार्यवाही की साक्षी बनने जा रही हैं, क्योंकि 12:20 का समय था जब से महिला विधायकों का बोलना शुरू होता है, उससे कुछ ही क्षण पहले, बल्कि 12:23 का समय हो चुका है और ये छात्राएं अंदर की तरफ जा रही है। स्नेहलता का रुख करते हैं, उनके पास क्या खास है, सीधे चलेंगे। स्नेहा, बिल्कुल गुंजन, देखिए ये आज की कार्यवाही बहुत खास है, लेकिन एक और खास चीज होती है, हम महिला रिपोर्टर आज पहुंचते हैं और एक अनाउंसमेंट होती है कि 12:30 बजे जो लंच होता है जो कैंटीन में, उसमें आज कोई पुरुष पत्रकार नहीं जाएगा, वहां महिला पत्रकारों को विधायकों के साथ सिर्फ अनुमति मिलेगी कि जा सकती हैं, वो खाना खा सकती हैं और उस कैंटीन का इस्तेमाल करेंगे, पुरुष नहीं प्रवेश करेंगे। एक तो ये बात रही जो कि रोज से अलग दिखाई दे रही है आज के इस सत्र के दौरान, जो कि अनाउंसमेंट के तौर पर बताई गई। इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पीच को सुना गया तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए आज का ये सत्र खास है तो कृपया सभी धैर्य के साथ सुनेंगे और आज महिलाओं को ही सुनेंगे, सत्र पूरा चलेगा, सत्र लंबा चलेगा और हर किसी को बोलने का मौका मिलेगा। और क्या क्या खास बातें निकल के आई समझेंगे दीपा से। दीपा, बिल्कुल ठीक स्नेहा, बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक है और अंदर हमने सुना नेता सदन यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को, दोनों ने ही बातें कही और नेता सदन मुख्यमंत्री ने ये कहा कि आज का दिन बहुत अहम महिलाओं के लिए, आदि आबादी के लिए है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, नए उत्तर प्रदेश में महिलाओं की बात होती है, महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं के स्वावलंबन की बात होती है और इसीलिए आज का दिन अहम है। उन्होंने सभी दलों से भी अपील की, उन्होंने कहा कि आज बात आदि आबादी को लेकर होगी, उनके मुद्दों को लेकर होगी, तो धैर्य से सभी सुने जैसे कि आपने कहा, और जब महिलाएं बोलेंगी तो उसके बाद किस किस तरीके से वो अपने सवालों को उठाते हैं, इसीलिए सब इंतजार भी कर रहे हैं कि महिला एक बार बोलना शुरू करें, महिला विधायक बोलें और उसके बाद फिर आगे ये कार्यवाही बढ़ती रहे। जो मकसद है इस सत्र को चलाने का, इस सत्र को रखने का, महिलाओं के विशेष सत्र को करने का, वो मकसद भी पूरा होगा, साकार होगा। मेरे साथ अनु भी लगातार बनी है, अनु का सीधे रुख करते हैं। अनु, ओवर टू यू। बिल्कुल दीपा, देखिए आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो भाषण रहा है शुरुआत में आपने उसकी चर्चा की, लेकिन यहाँ नेता प्रतिपक्ष का जो भाषण रहा है, अखिलेश यादव ने जो अहम बातें कही हैं उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम ये आरोप नहीं लगाएंगे कि आपके कार्यकाल में क्या हुआ, महिलाओं के साथ अपराध किस तरह से बढ़े, अगर हम नाम लेना शुरू करेंगे तो कड़वी यादें जिंदा हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जब मैं मुख्यमंत्री था उस कार्यकाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं हुए, लेकिन यहाँ आज का जो दिन है इन दोनों मसलों को समझकर, महिलाओं की जो असल स्थिति है उसको समझते हुए आगे बढ़ने का क्या प्लान है, किस तरह से उन्हें रेखांकित किया जाए, आज का दिन उस लिहाज से जाना जाना चाहिए और उसी के लिए ये अहम है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।